तो अब वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये कि हमने गिग अभी एक बनाई है, जो मैंने आपको सिखाया है। मैंने तो 5 सिखाई है, अब जिसमें आपको बेहतर लगे वर्क कर लीजिएगा। अब मेरे पास कितनी गिग ऐड है, लोगो डिजाइन की गिग ऐड है मेरे पास, पदनेश्वर डिजाइन की ऐड है, फ्लैट डिजाइन की ऐड है, विद स्कर्ट स्टेशनरी की ऐड है, अदर्स की ऐड है, वेब बैनर की ऐड है, वेक्टर ट्रेसिंग की ऐड है, कार ब्रेप की ऐड है, प्रोशर डिजाइन की गिग एक ऐड है, साइन डिजाइन की है, और वेब प्रोग्रामिंग की। अब मेरे पास ये सारी जो गिग है वो ऐड है, ये मेरी गिग है। अब जितनी ज्यादा गिग होंगी उतनी आपको पाया रुके से यहाँ पर शो हो रही होंगी। ये मेरी सारी गिग है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब जितनी गिग ज्यादा होंगी उतनी आपके पास पाया रुके से ज्यादा शो हो रही होंगी। अच्छा होता क्या है, काफी दफा बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, जब आप रिफ्रेश कर रहे होते हो तो बाय रिक्वेस्ट वहां से गायब हो जाती है। और समझ देख लेना वो चैनल में है, गिग कैसे बनानी है और कौन कौन सी बनानी है, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, वो देख लेना। अब मुझे काफी जो न्यूबी हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास जो बाय रिक्वेस्ट है वो शो नहीं हो रही। अच्छा सबसे पहले तो बाय रिक्वेस्ट का एक टाइम है, आपको 24/7 बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा बाय रिक्वेस्ट देखने के लिए। सबसे बेस्ट जो टाइम है वो सबसे पहले रात 8 से लेकर 10 तक है। रात 8 से 10 तक काफ़ी लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं। जैसा कि अभी जैसे हम लोग देख लेते हैं मेरा अकाउंट, तो यहाँ पहले कुछ और शो हो रही थी, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ कुछ और शो हो रही हैं। रिफ्रेश करता हूँ देखो कोई नहीं आई है, अभी तक कोई नहीं। तो ये पीक टाइम है जब जो बायर है अपनी जो प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं फाइवर पे, ये पीक टाइम है जिसमें आपके पास बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होंगे। 24 घंटे नहीं होंगी जो टाइमिंग है, यहाँ ज़्यादा शो हो रही होती हैं, दूसरी टाइमिंग में भी होती हैं, पर दूसरी टाइमिंग इतने पीक पे नहीं होती जितनी ज़्यादा इस टाइम पे पीक पे होती हैं। तो सबसे पहले रात 8 से लेकर 10 बजे तक, फिर रात 12 से लेकर 3 बजे तक, फिर सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक, ये तीनों पीक टाइम है जिसमें बायर के ज़्यादा शो हो रही होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन 3 टाइम पे आप ऑनलाइन रहें और बायर के देखें और बिडिंग करें जो भी प्रोजेक्ट हो। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है बायर के लिए, सबसे पहले अगर आप न्यू सेलर हैं और आपने नया अकाउंट बनाया है तो आप तो नॉर्मली जो है वो 24 घंटे लगते हैं आपको बायर रिक्वेस्ट सेंड होने में। ये नहीं है कि आपने अकाउंट बना दिया और आपने गिग बना दी और आपको बायर रिक्वेस्ट सेंड हो जाएंगे और शो होना शुरू हो जाएंगी। तो नॉर्मली 24 घंटे आपको लगते हैं शो होने में, तो 24 घंटे थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, 24 घंटे के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये सारी जो बता चुका हूँ आपको कि इट डिपेंड्स, एक तो 24 घंटे के बाद शो हो जाएंगी, दूसरा डिपेंड करती है कि आपकी कैटेगरी कौन कौन सेलेक्ट है। जितनी ज्यादा कैटेगरी आपके पास होंगी उतनी ज्यादा आपको गिग शो हो रही होंगी। उसके बाद ट्राई टू सी द बायर रिक्वेस्ट फ्रॉम द इवनिंग एशियन कंट्री, जो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इन एशियन कंट्री इवनिंग टाइम दिस टाइम मोस्ट ऑफ द क्लाइंट पॉज देयर प्रोजेक्ट, और सो यू कैन सी योर बायर रिक्वेस्ट एशियन कंट्री टाइम 12, जो मैंने लिखा 12 से 3 और 12 से 2। अब ये 3 पीक टाइम है, ये 3 जब आप न्यू गिग बनाते हैं और आपकी 5-6 गिग बन जाती हैं, तो लाजमन कोशिश कीजिएगा कि आप इन 3 टाइम पे तो ऑनलाइन रहें और बिडिंग करें। शुरू में तो आपके पास बिडिंग के थ्रू ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे जब तक कोई आपकी गिग परचेस करे करे, तो बेहतर ये कि इन 3 टाइम पे तो आप लाजमी ऑनलाइन रहें। बाकी अदर कंट्रीज मतलब यूएस में 2 PM होते हैं, हमारे पास उलट है, 6 से 9 बजे होंगे, तो ऐसी बात है वहाँ दिन होता है हमारे पास रात होती है, तो आपको जागना पड़ेगा स्टार्टिंग में, शुरू में जगना शुरू कर देंगे तो आखिर में आपको फायदा होगा। बाद में तो आपके क्लाइंट बन जाते हैं, फिर तो आप सो भी रहते हो तो आपके क्लाइंट आपका जो ऑर्डर होता है प्लेस कर देते हैं। जैसे मैं हूँ तो काफ़ी क्लाइंट हैं वो प्लेस कर देते हैं ऑर्डर, उनको पता है कि ये काम कर देगा, अभी टाइम जो है वो सोने का, तो वो प्लेस कर देते हैं। जब आपकी बॉन्डिंग बन जाती है बायर के साथ तो फिर वो ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ डिस्कस करते हैं, और डायरेक्ट आपको फिर उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भाई इतने डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये काम है। सो मैनी यू शुड ट्राई मैक्सिमम टाइम सर्च बाय रिक्वेस्ट ऑन फाइवर बाय रिक्वेस्ट सेक्शन, होप यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो ऑनलाइन रहिएगा, ट्राई कीजिएगा, बार बार रिफ्रेश कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होगी। इसके बाद काफ़ी लोग हैं जिनने अकाउंट बनाया हो, काफ़ी लोगों ने मोबाइल में अपने ऐप की होगी, तो ऐप में
जब आप सबसे डाउन जाएंगे डैशबोर्ड में तो आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी, उसमें व्यूज शो हो रहे होंगे, इंप्रेशन शो हो रहे होंगे, सोशल क्लिक शो हो रहे होंगे, क्लिक शो हो रहे होंगे, कन्वर्जन रेट शो हो रहे होंगे, शो हो रहे सबके पास, सबके पास शो हो रहा है अपनी ऐप में, देखा है अपना। नूर आपने मुझे शेयर की थी ना अपनी प्रोफाइल, तो आपके पास इंप्रेशन शो हो रहे हैं सर, उसमें सिर्फ इंप्रेशन शो हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। हाँ तो अभी इतने ज़्यादा बनाया नहीं है ना, तो इंप्रेशन कितने शो हो रहे हैं नूर आपके पास, मुबीन आपके पास? हाँ मुबीन कितने शो हो रहे हैं इंप्रेशन? मेरे पास 45 है। 45 है, अच्छे गुड है। और कितनी की बनी हुई है सर? 4 है। 4 बनी हुई है सर, पहले 4 थी, अभी 2 डिलीट कर दिया, मतलब 2 है। तो 2 है 47, अच्छा नॉर्मल। क्लिक कितने हैं? क्लिक है सर वो शो नहीं हो रहे क्लिक। अच्छा क्लिक नहीं होंगे ना फिर, ठीक है। और नूर के पास, नूर कितने हैं इंप्रेशन, कितने शो हो रहे हैं? दानिश के पास 2 55, और जो 55 और गिग कितनी बनी हुई है नूर? अब देखें नूर की भी 1 बनी हुई है और 55 उस पर इंप्रेशन है, और बाबर के 999 है। तो इंप्रेशन जब 1 के से क्रॉस हो जाएंगे फिर आपके पास ऑटो खुद ब खुद आता है, फिर बायर के आपको कम यूज करनी पड़ती है, फिर ऑटो क्यों आता है। अच्छा ये सब चीजें हैं क्या? हाँ दानिश, क्योंकि हमने अभी एक ही की बनाई है ना, तो 1-2 भी आ रहे हैं तो गुड है। नूर क्योंकि जो ज्यादा ऑनलाइन रहेगा उसके इंप्रेशन उतने ज्यादा आएंगे ना। सर मेरे पास 76 इंप्रेशन, ठीक है ठीक है। कब बनाया अकाउंट इमरान, वो मुझे बता देना। दानिश जो तुम्हारी गिग रिजेक्ट हुई है ना, वो मुझे बता देना रीज़न क्या है, तो वो सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अकाउंट पुराना है तो थोड़ा टाइम लगेगा इमरान, आ जाएंगे इंप्रेशन भी ना एकदम रॉकेट साइंस में नहीं, आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएंगे। हाँ ठीक है, नो इशू। अच्छा अब ये सब चीजें हैं क्या, सबसे पहले इंप्रेशन कराते हैं। इंप्रेशन क्या है? कोई भी बंदा आया, उसने सर्च किया बैकड्रॉप बनवाना है। अब ये सारे, अब इंप्रेशन क्या है, ये जो मेरा माउस है ना, माउस, ये माउस, अब मेरा ये माउस जो जा रहा है इसके ऊपर, ये सिर्फ माउस जा रहा है, क्लिक पे नहीं जा रहा। ये जो माउस जा रहा है ना वो इंप्रेशन है। अब जितनी दफा माउस जाएगा क्लाइंट का, बायर का, उतने आपके इंप्रेशन शो होंगे। अगर 66 इंप्रेशन शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी गिग नजर आ रही है बायर को, और बायर ने ये देखा है, क्लिक नहीं किया, जस्ट ये स्क्रीन देखी, आगे चला गया, स्क्रीन देखी, आगे चला, क्लिक नहीं किया। अगर वो क्लिक करता तो क्लिक में भी वो ऐड हो जाता। देखी थी अपनी गिग, तो उसमें 2 लाइक थे, तो 2 क्लिक थे, तो किसी ने देखकर क्लिक किया, तो इसमें आपकी जो गिग्स हैं वो शो हो रही हैं क्लाइंट को। अगर वो शो नहीं हो रही होती तो आपके पास जो 999 इंप्रेशन है, 55 इंप्रेशन है, तो इंप्रेशन नहीं आता। मतलब जो आपने उसके अंदर कंटेंट लिखा है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, वो इतना अच्छा है जो लोग के पास वो गिग शो हो रही है। वरना काफी लोग तो ऐसे जिसके पास गिग ही शो नहीं हो रही, तो कम से कम आप इतने तो अच्छे हैं अभी से कि आपकी गिग जो है वो क्लाइंट को शो हो रही है। तो सबसे पहले इंप्रेशन क्या है, समझ के इंप्रेशन क्या है। इंप्रेशन वो है क्लाइंट जो भी आया यहाँ पर, अब इसने जस्ट यहाँ पर माउस रखा, क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस रखा। अब जितने लोगों ने यह माउस रखा होगा, यहाँ पर पॉज किया होगा, वो आपके इंप्रेशन काउंट होते जाएंगे। अब जितने इंप्रेशन डे बाय डे बढ़ते जाएंगे उतने आगे क्लिक के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। चलें इंप्रेशन क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। चलें अब इंप्रेशन के पास क्या शो हो रहा है आपके पास, सोशल क्लिक। अब सोशल क्लिक क्या है, जो आपने अपनी क्लिक सोशल, जो आपके अकाउंट है लाइक फेसबुक, लाइक लिंक्डइन, लाइक इंस्टाग्राम, उसके थ्रू आपकी जो गिग है कितने लोगों ने क्लिक की है, मतलब आपने दोस्तों को शेयर की व्हाट्सएप पे, आपने फेसबुक के लोगों को शेयर की, तो उनमें से कितने लोगों ने क्लिक की आपकी गिग्स, वही है 2 ने क्लिक की तो 2 आएंगी, 5 कहेंगे तो कभी कभार जो इंप्रेशन है वो डाउन में जाते हैं जी, वो ऑनलाइन रहने की वजह से, वो भी
ऑनलाइन रहने की वजह से, और जो आपने वो टैक्स यूज किए हैं उसकी वजह से। अब मुझे शेयर कर देना, मैं देख लेता हूँ कि डाउन क्यों जा रहा है। ठीक है, ठीक। चलो ये हो गए सोशल क्लिक, ये हो गए इंप्रेशन, ये दोनों के ये दोनों क्लियर हैं सबको। हाँ हो जाएगा वो भी, याद क्लियर है सबको। चले तो आपके इम्प्रेशन भी हो गया, आपके सोशल क्लिक भी हो गए, उसके बाद आ गया क्लिक। अब क्लिक क्या है? अब ये है, मैंने क्लिक किया, आपकी मैंने गिग देखी, तो ये क्लिक काउंट हो गया। अभी जितने क्लिक भी होंगे वो ये क्लिक शो हो रहे होंगे, मेरे 128 हैं, किसी के 500 हैं, किसी के 200। ये जब आपके 100 प्लस हो गए ना, फिर तो आपकी गिग समझे कि भाई सेकंड थर्ड पेज पे आ रही है और बायर से देख रहे हैं। जब फिर भी अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो फिर कोई ना कोई इशू आपके या तो पोर्टफोलियो में है जो आपने गिग की इमेज लगाई है, या तो आपके कंटेंट में है। अगर इतने क्लिक होने के बाद भी आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं तो अच्छा, ये जो शो होगा वो आपके मोबाइल पे शो हो रहा होगा, मोबाइल के मोबाइल में आप डैशबोर्ड पे जाएंगे अपने फायर पे तो सबसे नीचे शो हो रहा होगा। इंप्रेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक मैंने आपको बता दिया क्लिक क्या होता है। Yes. थैंक यू सर माइक ऑन करने के लिए। उसके बाद ऑर्डर, अब जितने भी आपके पास रिव्यू होंगे उतने आपके पास ऑर्डर शो रहेंगे। जैसे ये यहाँ पर 78 शो हो रहा है तो 78 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं 4.9 रेटिंग में, और एक ऑर्डर के उसने मतलब एक ऑर्डर किसी ने इसके जो गिग है वो परचेज किए वो इसके क्यूज पे पड़ा हुआ है, मतलब वो एक उसके हैंड पे पड़ा हुआ है। क्या अब कन्वर्जेशन रेट सबसे लास्ट में, अब ये पता नहीं कितने कितनों की बात शो हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो जब ऑर्डर आते हैं तब शो हो रहा होता है, लास्ट में आता है आपका कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जो आपके टोटल इम्प्रेशन आते हैं वो हम डिवाइड करते हैं ऑर्डर से, कि अगर आपके इम्प्रेशन हैं 1K 2K 3K और आपके पास एक ऑर्डर आता है तो आप उसके डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला व्यू क्या है? ये व्यू वो है जो आपकी सारी गिग्स से मिलकर डेली आता है। अब सारी गिग्स से कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हम गए, मैं गया अपनी गिग में, अब जैसे इंप्रेशन है ये 591 है, ये 376 है, 170, ये सब मिलाकर जितने बनेंगे वो आपके ऐप में ये सारे मिलाकर इंप्रेशन दिख रहे हैं आपके। इंप्रेशन ये 591, 376, 176 सब दिख रहे हैं आपको। ये जितने जितने बढ़ते जाएंगे इतने तक आपको शो कर रहा होगा, मतलब टोटल यहाँ जितने भी होंगे ये सब आपको शो कर रहा होगा कि एक दिन में आपके पास कितने व्यूज आए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कोई इशू? यस सर क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपका अकाउंट भी बन गया, आपकी गिग भी बन गई, बायर केस कैसे आपने आज वाले लेक्चर की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की है? जी जी की, वो मैं कल की क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, मंडे ट्यूजडे को अपलोड कर दूंगा बैठ के। ठीक है सर। सो अकाउंट मैंने आपका बनवा दिया, आपकी गिग मैंने बनवा दी, बायर केस कहाँ से आएंगे दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे अपने प्रोफाइल में, मोर में जाएंगे, ये आपका बायोरिक्वेस्ट का आपका ऑप्शन आ जाएगा, मोर में जाके ये आपकी बायोरिक्वेस्ट। अब बायोरिक्वेस्ट के बाद अब देखिए मैंने आपको कहा था ना 9 से लेके 11 पिक पॉइंट है, तो यहाँ पर सारी की सारी जो बायोरिक्वेस्ट है वो चेंज हो गई, पहले कुछ और थी जैसे मैंने फ्लायर कर दिया था उसे फ्लायर बनवाना था, अब कुछ और हो गई। तो ये पीक पॉइंट है, ये पीक टाइमिंग है जब आपके बायर की रिक्वेस्ट धड़ाधड़ आ रही होती है, अच्छी खासी आ रही होती है। तो ये तीन टाइम है जो मैंने आपको बताया, तो इन टाइम पे आप
अगर बैठना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मोबाइल और लैपटॉप वाली इंडस्ट्री में डिफरेंट होती है। हाँ, तो जो मोबाइल में शो हो रहा होगा ना वो ओवरऑल शो हो रहा होता है कुर्बान, और जो आप लैपटॉप की बात कर रहे हो लैपटॉप में आपकी एक एक गिग की इंप्रेशन शो कर रहा होता है। जैसे अब यहाँ कुछ और शो कर रहा है 591 27 के लिए 11 ऑर्डर, वहाँ कुछ और, वो पूरी समरी शो कर रहा होता है आपकी डे की, तो वो कुछ और है ये कुछ और। ये जो आपको शो कर रहा होता है ये लास्ट 30 डेज की शो कर रहा होता है, और वो आपको डेली की बता रहा होता है, तो चेंज ही होती है दोनों, एक नहीं होती। जुबैर मैं वो स्लाइड शेयर कर दूंगा, मैंने सबको बता दिया है पीक टाइमिंग जो है, फिर भी मैं आपको जो स्लाइड है बाद में शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड है, मैं आपको बाद में एक स्लाइड की पूरी शेयर कर दूंगा। पीक टाइमिंग 8 से 10 है, फिर 12 से 3 है, फिर 6 से 9 है।